रात दे तकरीबन एक बज रहे ने जी, और चोर घर आए सी लेकिन बज गए ने। एको चोर हैगा सी, पता नहीं कोई नशाई सी कि पता नहीं कौन सी, लेकिन काफ़ी टाइम उन्होंने जो लभ्या साढ़े वांडी गवांडी भी आई भाई जेड़ा उठाया होया, काफ़ी सारे खुरे छुरे लभे उन्हें सी, लेकिन कोई नहीं पता सुर कोई लगा किड़े साइड से जोड़ा है ना चोर गया। हूँ अद्धी रात तकरीबन रात का एक दो बजते पैन टाइम तो वेख्या कोई नहीं है, बड़े लेकिन चोर जेड़ा ना जुत्ती सट के चला गया रस्ते में, क्योंकि मैं उनके पिछे भज्जा सी, मैंने पता नहीं लगे गया गया, लेकिन जुत्ती उनकी लभ गई है। हुण जुत्ती ना पता नहीं कि पता लगेगा भी चोर ये है कोई होर है। हुण अद्धी रात है, बंदा किसी पासे जेड़ा नहीं देख सकता, काफ़ी सारा लंबा चौड़ा पिंड, क्योंकि भज नस गया हुण पिछे भज्जन तो ना खतरनाक है काम। चोर ए वाली जी है ना जुत्ती सुट के चला गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अबू जी और इतने जेड़ ना सुते हुए थे इस जगह से करके जिते बोर्ड खड़ा ने इतने इस जगह से जेड़ा ना चोर आया तो अबू ने पूछा कौन है तो उन्हें कहा मैं हाँ लेकिन सानू पता नहीं लग्या वो इंजन पर टुर गया तो थलों जो गेट से टपया ना तो उधरों अबू ने पता लग अबू उन्हें हाल हल पाई है कि ये तो चोर लगता है, लेकिन उन्हें जुत्ती सट के तो जेड़ा बिल्कुल बच गया, शुक्र है कि ना मोबाइल कोई चीज़ नहीं लैके गया, लेकिन ए जुत्ती सट गया। हुण जुत्ती तो सानू पता लगना है कि जुत्ती पिंड विच किंदी है या पिंड तू बाहर दा चोर है कि कौन है कौन नहीं आया सी, एक बार पता लग लैण दे, मैं सुबह जेड़ा ना सारा छानबीन करांगा फिर जेड़ा ना पुछांगे। मैं तुहानू पता है सारी रात जेड़ा है ना कोई नहीं सौंदा पहरा देना, हाले तक तो एक दो बजे हुए सी, इस टाइम तो बिल्कुल मैं सौंदा ही कोई नहीं, हाले मैं जागदा सी। तो तुहानू पता है मैं ब्लॉग भी जेड़ा ना अज काफ़ी लेट अपलोड किया, तकरीबन 11:30 बजे इंटरनेट की प्रॉब्लम है सी, और तकरीबन 11:30 बजे मैं शहर ब्लॉग अपलोड करके 12:30 बजे इतने घर आया, और हाले तक तो तकरीबन टाइम मेरे ख्याल हो रहा है टाइम 1:10 हुए ने, मैं तो हाले तक समझ लो कि अद्धा घंटा होया तो घर आया, हाले मूँह हाथ मैं हूँ धोना सी धो के कोई चीज़ खानी पीनी सी, तो चोर जेड़ा गना गया उन्होंने है किधरे जो सुते पे होने एक दो बजे, और इन्हें पता कि यूट्यूबर का घर है, इन्होंने तो ना दिन रात दिन सुकून है तो ना रात सुकून आ, लेकिन जुत्ती मिल गई आ पता ला ही लैना चोर किड़े ने, क्यों क्योंकि ऐसे बाहरली साइड से ना सद मैं कैमरा वगैरह कोई नहीं लाया, बैक साइड तो आए कोई नहीं, बैक साइड से कैमरा लगे हुआ से, और जुत्ती ए पई हुई है। बेगम साहबा काफ़ी ज़्यादा डर गई सी, बेगम साहबा ने जे हाल हल पाती, लेकिन हम चुप करा फिर बंदा अच्छा नहीं लगता है, अद्धी रात हम फिर पूरा पिंड इकट्ठा हो जाता, क्योंकि शायद तो लै कोई नहीं गए, लेकिन मैं काफ़ी पिछे बजिया हाँ, लेकिन चोर वगैरह जो नज़र कोई नहीं आया। एक जी ना सब तो वधिया गल कि याई जेड़ा ना थोड़ा बहुत असं जेड़ा ना हाल हल पाई है ना, तो माशाल्लाह सारे जेड़े आवंटी गवंटी होंगे ना, या उन्होंने भी कदम कोई मसला बन जाए फौरन जेड़ा ना वो भी जमा हो गए नाल, तो फौरन जेड़ा आ जाते हैं कोई किसी किस्म का भी जेड़ा ना मसला, ये जेड़ा ना साढ़े समझ कमसाया चवाणिया गवाणिया बहुत ही अच्छा है काम। बैक साइड के कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह चेक की दूर जेड़ा है ना उस साइड से बेमलूम जो उस जगह जेड़ा ना इस कैमरे से तो नज़र को नहीं आना, काफ़ी दूर ना एक ना कोई बंदा नज़र आ रहा सी, लेकिन अंदर जेड़ा है ना इत्थे गार्डन दे विच बिल्कुल बंदा कोई भी नहीं आया, उसे दरवाजे वाली साइड तो ही आया है, एक ही हैगा सी बस। असल च भाई जाज और ही अपने जेड़ा ना जगू जेड़ा घर के अगू जगह हैगी ना उत्थे सौंदे ने बाहरली साइड ते, फिर मैं साइड ते जेड़ा ना अम्मी अबू रसोए पे होंदे ने उस साइड ते जेड़ा ना मैं कैमरा कोई नहीं लाया होया, मैं अपने घर के सहन ते जिथे असीं सुते पे होंदे आ उत्थे कैमरा लगा होंदा है, और विच जेड़ा हैगा ना सहन उत्थे ते एक कमरे दे विच हैगा और एक जेड़ा है ना बाहरली साइड ते लगा, हुण मैं सोच रहा कैमरा कमरे वाला जेड़ा ना कैमरा ला के और जेड़ा ना फ्रंट ते अगे मसलन कोई जेड़ा दरवाजे ते बाहर बूहे ते लाने एक। काफ़ी सारे लोग है गया, यकीन कर जो ना जिमें हल्का कुत्ता नहीं होया हुंदा उस तरह साढ़े ते ना हल्के होए पए ने कि किसी तरीके ना जेड़ा ना इन्हां नूं खा जावीए कच्चियां नूं खा जावीए, लेकिन अल्लाह पाक दी ज़ात है जिन्हें जिन्होंने सानूं बचाया होया अलहमदुल्ला, नहीं तो दुनिया का वस या ऐसे लोगों का जेड़ा ना वस चलता तो हुण तक जेड़ा ना असीं जिंदा भी ना होंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, की हाल चाल सारे पिंडियां दे, और रात में तुसीं वेख्या सी चोर वगैरह आए सी, रात में तो बजा बजूते सी, लेकिन परेशानी और डर तो बनता है भावें जिड्डा बंदा शेर जवान होवे तकड़ा होवे वक्ती तौर पर डर तो जाता, लेकिन जिस तरीके आया सी जिस तरीके सट के गया एक दो चीज़ा होर भी सट के गया भी जो तुहानूं दिखाना, मैं लगता कोई नशा ही नशू ही है नशा नुशा पीण वाला जिहड़ा ना मोबाइल वगैरह चक के लै जाए या बटूआ वगैरह, यह तो शुक्र है तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਭੂਆ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਿਆ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚੌਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੌਦੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਦਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਊ ਔਰ ਸੂਰਜ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬੇਂਗਨ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟਲ ਗਿਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੀਰ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇ ਅਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਚਾਵਲ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਲਣ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਚਾਵਲ ਚੂਵਲ ਖਾਧੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਕਾਈ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਚਾਵਲ ਬਲਕਿ ਖੀਰ ਰੱਖ ਲਏ ਖੀਰ ਰੱਖ ਲਏ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਲਾ ਇੱਕ ਸਟੋਵ 'ਚ ਲਾ ਲਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ਖੀਰ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਕਾ ਪਕੂ ਲਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਊ ਸੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਮੈਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਸੀ 1.5-1 ਮਨ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁੰਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈਗਾ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਐ ਲਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਿਆ ਉੱਧਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਬਾਕੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੇ ਗਏ ਅੱਬੂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬਰਫ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੀਰ ਦੀ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਦੁੱਧ ਔਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ VIP ਨਿਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਪੋਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਪੋਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਫੜਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਫੜ ਵੀ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ
शहर इतने मैं पहुंचा और सब तो पहले फ्रूट लवेंगे, फिर दही लेनी है सलाद वगैरह वास्ते, और फिर वापसी से मोटरसाइकिल जोड़ा ना धोना। इतने मैं सर्विस स्टेशन जेडे ना बंद पे ने, आज ईद का तीसरा दिन है, छुट्टी हैगी, मोटरसाइकिल आज नहीं लवा सकते, सुबह जोड़ा है ना दुकाना वगैरह जो स्टेशन जो खुलन गए तो सुबह ही काम बनेगा। मैं इतने जी अम्बल अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल और तबीयत सेहत ठीक ने फिट फाट। अच्छा जी अंब लेने की रेट भाई जी? 200 रुपए किलो। वैसे अंब तो माशाला सोने ने, बाकी तेरे 200 तो कोई नहीं देना, अपने हिसाब ने ही लवेंगे तेरे को। साडे इलाके का यानी पाकिस्तान का सब तो मिठा और अच्छा अंब चौंसा, काफ़ी दिन बाद लेने जी, 5 किलो लेने, कोई मेहमान भी आने से और माशाला क्या ही बात है। 1, 2, 3, 4 ते 5 घर आ गया मैं वापस, और अंब जेड़े ना समझ लग मसा ही बचन, मैं खोल लवें एक बारी। मैं सोच रहा सी कि आज जेड़ी ना किसी तरीके बारिश होवे, ठंडा मौसम होवे, कल कह रहा सी आज, बल्कि तीसरा ईद का दिन होर ज़्यादा जेड़ा ना गर्मी का बहुत ज़्यादा। और खीर दी किथे गल पहुंची है? चलो ठीक है, ज़्यादा जेड़ी ना गूड़ी ना करी, मसलन ना संघनी संघनी, पतली पतली रखी, ठीक है। काफ़ी सारे बहना भाई उन्हें पूछण के चोर किस पासों आया कि हूँ दिन हैगा, तुम मैं दस दिना चोर जोड़ा है ना इधरों आया सी थले वाली साइड तो, जोड़ा ना जोड़ा गेट के थले वाली साइड तो गैप है ना, बाकी ताला वगैरह लगे वैसे मसला कौन सी थले वाली साइड तो जोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह आराम सुकून ना बंदा जोड़ा ना आ जा सकता है। बाकी उनकी जुत्ती वगैरह या कपड़े उनके मिले ने सानू उस जगह तो, जो जिथे रस्सा वगैरह पे उस जगह तो जेड़ा ना मिले वगैरह बाहर रख के आया सी, या कदम भी भजना पै जाए ना तो जुत्ती तो फिर भजया नहीं जाता, इस करके जुत्ती वगैरह बाहर ला के आया से, जे कहीं शुक्र है कि असी फौरन उठे हाँ तो जुत्ती बच्चे हो जड़ा ना छड़ छुड़ के जड़ा ना नस गया। और बेगम साहबा गोश्त की जी सफाई कर रही है? अच्छा ना कटिंग भी कर दी पी दुप से बह के सफाई कर ला सिर्फ ते काट उत्थे अंदर लैने आ जा, पर दाता रह गया एक बंदा ही काट देखा उत्थे अंदर काट लवी तो धुप ते बह के पट्ठे ही काम ने तेरे भी। साढ़े लिए बारिशा हो नहीं रही, असं बारिशा मांग रहे हैं, और कराची के काफ़ी सारे बहन भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। मैं रात को वीडियो वगैरह देख रहा, यकीन कर जो कमरे घर पूरे जेड़ना जेड़ना डुबे पे ने, अल्लाह पाक जेड़ा ना इस समझ लो कि अल्लाह पाक की रहमत तो होंगी बारिश, लेकिन अल्लाह पाक इतनी भी ना बारिश जेड़ा ना, क्योंकि उस जगह पर इतनी बारिश गटर का पानी वगैरह नहीं ना है, किसी दिन सीवरेज निज़ाम एडा खास अच्छा नहीं, इस करके मेरे ख्याल पानी जेड़ना उतने काफ़ी ज़्यादा रोक जाता है, और इस तरह तो जानी माली नुकसान भी काफ़ी सारा ज़्यादा होता, उनकी वजह कि बिजली वगैरह के बोर्ड वगैरह से पानी पै गया या सारा करंट वगैरह फैल सकता, अल्लाह पाक जी रहम फरमाए। असल असी बैठे ना मैदानी इलाके बिल्कुल, इतने जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जिनी बारिश भावें 2 दिन बारिश चलती रहे, सिर्फ 15 मिनट बारिश रुक जाए ना तो उस तो बाद पानी का नामो निशान नहीं मिलता, खेत वगैरह है तो जमीन के थले लै जाता सारा पानी, जिन्ना जमीन खिंच लेंदी आ, इस करके ना साढ़े इलाके इस तरह का कोई जिंदगी नहीं आया, सैलाब वगैरह इस तरह का कदे भी नहीं आया। बाकी मैं दुआ करना कला पाक सब नू अपने मान च रखे, क्योंकि नुकसान तो है ना वो भी साढ़े भैन भाई भी ने, क्योंकि मैं वेख्या ना बहुत ही बुरी हालात है, काफ़ी सारे जो डरे मैं वीडियो वगैरह वेखन करा दे कि थले वाले दो पोर्शन जोड़े ना पानी ना भरे हुए हैं, कोई बंदा बहर आ जा नहीं सकता, खाण पीन की तंगी आ, काफ़ी सारी जेना मसले मसायद जेना बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खीर मेरे ख्याल पक गई है, थोड़ी जी हले रह गई है खीर जी तैयार हो रही है, और उधर जेड़ा ना गोश्त जेड़ा ना बेगम साहब ने बोल कर रख दिता, भुख जी है ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई, तो सुबह का मैं नाश्ता भी नहीं किया, अंब वगैरह लैन दिन ठंडे हो जाते हैं फिर जो खाने गोश्त चेक करने, अगर बोइल हो गया ना तो इन उत्ते नमक ला के जोड़ा ना खाने, और ए जी खीर वास्ते सारा कुछ कलर होए बादाम सौगी, और ए भी है जी बादाम पीसे हुए, और ए जी गरी, ये सारा कुछ खीर वास्ते है, खीर हाले तैयार हो रही है। एक बोटी जी कढ़ के लैन दी ठंडी हो लैंदी, चेक करने अगर पक्या होया तो फिर होर कढ़ लेवांगे। मैं पका रहा जी खीर, और दुध जेड़ा है ना उबर गया सी, यानी ना बाहर आ गया सी सारा डुल गया, हाँ अग भी मुझ गई सी दोबारा जेड़ ना फिर बाली सी, और आ देख सकते हो सारा दुध जेड़ा ना सुकिया पिया साइडां ते, काफ़ी जेड़ा ना सारा
और माशाल्लाह खीर साड़ी बस तैयार हो खड़ी है, थोड़े टाइम तक हो जाएगी। इन साफ कर दें, काफ़ी टाइम लग जाना हूँ, तो पक ली तो फिर ही जड़ा ना धोवे। अफसल वहाब सुतो हुआ सी, हूँ जड़ा ना उठा। हाँ बच्चा कवर चाह खेलता फिरता है, मोबाइल नहीं है। और बेगम साहब काट रही है मसाला वगैरह, टमाटर कट्टे पंजी प्याज वगैरह काट रही है, सारा मसाला पे है, धनिया सब जेड़ा ना मिलिया ही कोई नहीं थी। ओ मैं पहले दे रखे हो थोड़ा पिया धनिया। चलो ठीक है, ईद दियां असल तो छुट्टियां ने, मंडियां वगैरह भी जेड़े बंद ने, इस करके जेड़ा ना धनिया सब्ज मिले ही कोई नहीं, लैके आना सी उन्हें रायता बनाना सी चटनी वास्ते। बेगम साहब कह रही गोश्त बोयल हो गया, लेकिन मैं चेक किया इन्ना बोयल को नहीं होया सी, और हाथ भी जेड़ा है ना जल गया बाप नाल, बहुत गर्म बाप। चलो चेक करने दोबारा, फिर 5-7 मिनट बोयल होंदा रहा बाद विच। अबू नी जेड़ा है ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, पानी ठंडा हो गया, पानी बड़ा पाई है बेचने। लो जी बेगम साहब कट के लैंदा है, और ज़्यादातर विलेज साइड पर असं इस तरीके नमकीन गोश्त खाते होंगे, नमक पा के बोयल करके, मर्चा लून वाला जेड़ा ना हजम नहीं होंदा क्योंकि बहुत ही तेज़ होंदा काम, ज़्यादातर थोड़ा बहुत ही पा के जेड़ा कच्चा लगता पे, चेक करते सही वेखन पता लग खा के। और जी बन रही है पका रही है चावल के सालन, सालन तैयार कर रहा, उसके बाद चावल पक से। चलो बाहर जेड़ा ना कुल्फियां लाया खड़ा, की कुल्फियां लाया ना, गोले वाला आया खड़ा, ते कबलिंग की करूंगा सेवियां ते गोला लेना, यार इन्ना फलूदे वाला आया खड़ा है, और ये पैसे मंगन आए ने, मेरे पैसे आ रहे हैं आंटी जी, मैं खोल ले, एक आज क्यों लाए ने, दादी को लाए ने, जा लाए लो आई लो आए भी ने, सारे 10,000 रुपये लाए लगे इन बिच, ठीक है 10,000। बच्चे भी जेड़ा है ना डबल कमाई करते हैं, उधरों दादी दादे और को लै लेंगे ने पैसे, उधरों मेरे को लै लेंगे ने, दा लगे तो माँ को भी लै लेंगे ने, और हूँ जेड़ा ना कोहली लै बनाई है। मैं तो सोचा हूँ फिर जेड़ा है ना पैसे लवन आए खड़े, पर हूँ मैं सारे तकरीबन 10-10 रुपये सारे दीते हैं, तो उधरों दादी को भी इन्होंने 50 रुपया लै लिया, सुबह सुबह बेगम साहब ही 100 रुपया चाह के सारे 20-20 रुपये जेड़े दिते है गया, और ईद से 2-2, 3-3 सौ रुपया इन्होंने खाया। यकीन कर जाओ पहले साडा दौर हैगा सी ना, मैं इस गल की गल कर रहा, साडा दौर हैगा सी ते महीने बाद ही मैं कहना रुपया 2 मिलते सी सानू, रुपया मिलना या 2 मिलने, तो फोके बस स्कूल जाना ना कुछ छाया लैनी ना कोई गल लैनी, और बेगम साहब मर्चा उड़ाई जाती आ अखा च पैदा पी, आराम ना पका ला, इन मर्चा पाइया डब्बा खोल के ना सुकियाँ, फिर पंखा चलता पैसे उन्हें उड़ के आग पईयां ने।